विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर परिसर में गुरुवार रात अचानक आग लग गई। आपको बता दें कि इससे वहां खड़े श्रद्धालु भी सहम गए। लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। दरअसल नागचंद्रेश्वर मंदिर के नीचे फोल्डिंग ब्रिज का कार्य चल रहा है। इस दौरान वेल्डिंग की चिंगारी से वहां रखे सामान में अचानक से आग लग गई। समय रहते आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया। जिस समय आग लगी तब मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। आपको बता दें कि महाकाल मंदिर परिसर में आगामी 2 अगस्त को नाग पंचमी पर्व को लेकर तैयारियां चल रही हैं। मंदिर में इस बार श्रद्धालुओं की सुविधा और मंदिर के स्ट्रक्चर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फोल्डिंग ब्रिज तैयार किया जा रहा है। इसके माध्यम से श्रद्धालु नागचंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन कर सकेंगे। निर्माण कार्य के दौरान ब्रिज के नीचे प्लास्टिक कागज और अन्य सामान रखा था। वहीं गुरुवार शयन आरती से पहले करीब 10 बजे चिंगारी लगने से आग लग गई। इस दौरान वहां काम कर रहे लोग और कुछ कर्मचारियों ने हिम्मत दिखाते हुए आग पर काबू पा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।